मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो वीडियो है वो है डैंड्रफ के ऊपर। आप सबको, बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, 90% लोगों को डैंड्रफ प्रॉब्लम लाइफ में रही है। मतलब ऐसा कोई 90 से ज़्यादा ही मैं बोल दूँ कि ये क्वांटिटी हो सकती है कि लोगों को डैंड्रफ प्रॉब्लम से जूझ चुके हों और बहुत सारी चीज़ें लगा चुके हैं, बट उनके कई बार ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। बहुत ज़्यादा मार्केट में शैम्पूज आते हैं, मेडिकेशन आते हैं और डैंड्रफ के लिए बहुत कुछ आता है मार्केट में, बट कौन सा हमें लगाना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। लोग जस्ट मार्केट में देखा, किसी से पूछा या शैम्पू देखे या आपने कहीं भी टीवी ऐड देखा और लोग लगाना चालू कर देते हैं और लॉन्ग टर्म तक लगाते भी रहते हैं, बट प्रॉपरली इसको नहीं लगाते हैं जिसके कारण उनकी बॉडी उसको इफेक्ट देना बंद कर देती है। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि कौन सा शैम्पू बेस्ट होता है या क्या लगाना चाहिए ऐसा कि हमें डैंड्रफ ना आए। तो मैं आज इस टॉपिक को कवर करूंगा। मैं आपको पहले बता दूं डैंड्रफ होता क्या है। तो डैंड्रफ जो होता है ना, वो हमारे स्कैल्प में एक फंगल इन्फेक्शन होता है, इट्स अ फंगस। अभी क्या करता है, जब भी ह्यूमिड होता है, नर्म स्किन होती है, आप प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं कर रहे होते तो वो फंगस वहाँ पे ग्रो होने लगती है। अब किसी को ड्राई डैंड्रफ होती है, किसी को वाइट डैंड्रफ होती है, किसी को आपने देखा होगा वाइट वाइट फ्लेक्स भी निकलते हैं। तो एक चीज़ और देखी गई कि किसी किसी का इम्यून सिस्टम उसको ओवर रिएक्ट करता है उस फंगस के अगेंस्ट और इस टाइप के फ्लेक्स ज़्यादा बनाता है। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, देखिए मार्केट में बहुत सारे शैम्पूज जो आते हैं, लाइक कीटोकोनाजोल है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं। तो ये क्या करता है, उस फंगस को किल कर देता है, मार देता है। बट अगर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे शैम्पूज आप लगा रहे होते हैं मार्केट में, किसी को फ़ायदा करता है बट आप कई बार उसको अप्लाई करते हो और आपको फ़ायदा नहीं करता, तो ऐसा क्यों होता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि आप उसको सही ढंग से नहीं लगा रहे हैं। कोई भी शैम्पू अगर आप लगाएं तो उसको प्रॉपर उसका ड्यूरेशन होता है कि भाई कॉन्टैक्ट टाइम कितना होना चाहिए, कि 5 मिनट to 10 मिनट आपको उसको अप्लाई करके रखना है और उसके बाद वॉश आउट करना है और उसको रेगुलरली यूज़ करना है। आपने क्या किया कि उसको लगाया और उसको स्टॉप कर दिया, अभी स्टॉप कर दिया तो क्या हुआ कि उसका आपकी जो फंगस वहाँ पे है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कई बार किसी को दाने भी होने लगते हैं या कुछ भी है, तो वो उसके लिए एक्यूमुलेट हो जाती है, उसके लिए इम्यूनिटी आ जाती है उनमें, तो वो उस चीज़ को उस पर असर करना बंद कर देता है। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो बहुत ही नेचुरल है, विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट केमिकल, बिकॉज केमिकल जब आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं शैम्पूज, तो बॉडी में, स्किन में कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होता ही है और कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन लॉन्ग टर्म में मिलता ही है उस चीज़ का, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आज जो आपको लेके आया हूँ वो है फेसडर्मा का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ये टोटली नेचुरल है, इसमें टी ट्री ऑयल है, बेसिल ऑयल है, ये टोटली एकदम नेचुरल है। तो प्रॉपरली शैम्पू करने का तरीका क्या होना चाहिए कि आप, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इसी शैम्पू को बता देता हूँ, आपको इसको प्रॉपरली लेके स्कैल्प में मसाज करना है। लोग शैम्पू करते हैं हेयर्स के लिए, तो हेयर में वो अप्लाई किया और रिंस किया और वॉश आउट कर दिया, देखो बालों की गंदगी तो निकल जाएगी, बट अगर हम बात करें शैम्पू हमें फॉर डैंड्रफ के लिए यूज़ करना है तो हमें स्कैल्प को टारगेट करना है, स्कैल्प में फंगल्स इन्फेक्शन होता है तो हमें स्कैल्प को क्लीन करना है। ये आपको रेगुलर यूज़ करना है, डेली यूज़ करिए प्रॉपरली, अंटिल अनलेस आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद भी आप उसको वंस अ वीक एटलीस्ट मिनिमम यूज़ करते रहिए, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है कभी भी रिपीट हो जाता है। तो ये बिकॉज हमारी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसके लिए खासकर जिनके लंबे बाल होते हैं, फीमेल्स होती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो ड्राई अप नहीं कर पाती हैं। तो आप इसको यूज़ करें रेगुलर, वंस अ वीक मिनिमम यूज़ करिए। इसको यूज़ करने का तरीका, जस्ट आप लीजिए और स्कैल्प में अपने हाथों, उंगलियों की पोर से जो होता है ना, आप उसको मसाज करना है, वहाँ पे आपको रब करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज हो। उसमें बेसिल ऑयल है जो आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। इसमें जो टी ट्री ऑयल है वो अब क्या करेगा, टी ट्री ऑयल इट्स अ नेचुरल एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट होता है, जो आपके नेचुरली बैक्टीरिया है वहाँ पे ग्रो हो रहे होंगे कॉलोनी या फंगल कॉलोनी ग्रो हो रही होगी, उसको किल कर देगा। तो ये रेगुलर बेसिस पर आपको यूज़ करना है बिकॉज क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से हम अपने ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, रोज़ करते हैं, रोज़ मुँह की क्लीनिंग करते हैं, ऐसे ही हमें रोज़ अपने स्कैल्प की क्लीनिंग भी करनी है। चाहे आपको डैंड्रफ हो या ना हो, आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर आपको, कई लोगों को आप देखा होगा कि डैंड्रफ के कारण उनके फोरहेड पे दाने भी आने लगते हैं, तो ये चीज़ उससे खत्म होगी बिकॉज में एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी है, जो टी ट्री ऑयल है वो आपके बैक्टीरिया को भी किल करेगा, तो आपको दाने एक्ने नहीं होंगे, बिकॉज डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल, हेयर लॉस और आपका ये जो एक्ने है बहुत कॉमन होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे बेनिफिट भी हैं जो आपके खून के फ्लो का सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जैसे लाइक बेसिल ऑयल, तो जब खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे आपके हेयर और अच्छे से ग्रो करेंगे, बिकॉज वो खाना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, सबको न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो अच्छी डाइट लीजिए, साथ में मल्टीविटामिन लीजिए, हेयर के लिए बायोटिन लीजिए और साथ में इसको यूज़ करिए।
तो कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि लाइक ZPDO आता है या कीटोकोनाजोल होता है, बट वो बहुत कॉमनली अब उसके यूज़ करते करते लोगों के वो बिकॉज वो केमिकल है तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होता है, जब लॉन्ग टर्म में आप यूज़ करते हैं तो वो आपको साइड इफेक्ट दिखाता है, बट नेचुरल अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही कम साइड इफेक्ट देगी, इनके तो साइड इफेक्ट होते ही नहीं बिकॉज नेचुरल ऑयल्स होते हैं, तो ये आपको बहुत ईजिली और अच्छे से क्लीन आउट करेगा, ये आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर देगा, हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा और आपके जो हेयर है उसमें आपको शाइनिंग और एक लश्चर टेक्सचर देगा। तो आपको इसको यूज़ करिए रेगुलर, इसकी प्राइस है MRP 750 और ये आपको मिलेगा clickonkia.com में जहाँ पे COD भी अवेलेबल है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए और clickonkia पे जाके इसको परचेस कर लीजिए, और अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपके पड़ोसी को डैंड्रफ है, किसी को डैंड्रफ है, उनको बताइए। बाय।